आप सबका स्वागत है। आज हम 14 मार्च के ईश्वरीय वरदान के बारे में बात करेंगे। परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियां दें। अब ये शक्तियां जो हैं, ये प्रकाश के स्वरूप में भी दी जा सकती हैं कि हम मेडिटेशन के टाइम पर हम उनको प्रकाश लाल किरण के रूप में हम दें, या तो फिर हम ऐसे संकल्प करें जो कि है ही लाल प्रकाश स्वरूप। मतलब कि अगर आप किसी के बारे में शक्तिशाली संकल्प करते हो, अगर आप सोचते हो, जैसे कि प्रेयर्स में हम करते हैं, हम दुआ देते हैं किसी को कि उसके जीवन की अड़चन खत्म हो जाए, उसके जीवन में उसको सद्बुद्धि आए, उसके जीवन में उसको सहन करने की शक्ति आए, उसके जीवन में उसको अपनी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आए, या हम ये कहते हैं कि उसके जीवन में उसको समझ आए, उसके जीवन में उसको सबके साथ मिलकर के चलने की एडजस्टमेंट पावर की शक्ति आए। ये सारी शक्तियां जो आप किसी को, अगर आप किसी के लिए प्रे करते हो, तो ये भी एक शक्ति देने का, किरण देने का तरीका है। तो क्यों ना हम सारे संसार के लिए ऐसे करें, क्योंकि हम परमात्मा के, अगर हम परमात्मा पिता की अगर हम रचना हैं और वो अगर हमारे रचयिता हैं, तो उनकी शक्ति हमारी शक्ति होंगी। तो इसलिए परमात्मा आज के वरदान में कहते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर मतलब हो गया बच्चा, ज्ञान के सूर्य हो गए परमपिता परमात्मा। वो वाला सूर्य नहीं जो कि हमें दिखता है सुबह, जो कि आपको रोशनी देता है, वो नहीं, यह है ज्ञान के प्रकाश की रोशनी देने वाला परमपिता परमात्मा, जिसको सूर्य से हमने कंपेयर किया है भक्ति मार्ग में। तो भक्ति में अज्ञानता के कारण हम सूर्य को ही देवता मान लेते थे, लेकिन परमपिता परमात्मा वो देवों के भी देव हैं, देवताओं को भी रचने वाले ज्ञान के सागर हैं, जो कि सूर्य समान है। वो दिखने वाला सूर्य समान नहीं, ज्ञान के सूर्य के समान। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशनी करता है, ऐसे आप भी, आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। सारे विश्व को किरणें, ये किरणें कैसे देते हैं, संकल्प करना ही मतलब किरणें देना है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि लाल प्रकाश जा रहा है मेरे द्वारा या नीला प्रकाश जा रहा है, आप जो संकल्प करते हो वही प्रकाश स्वरूप है। सोचिए जरा, अगर आपने शक्तिशाली संकल्प किया तो उसके अंदर लाल किरणें होंगी, अगर आपने शांति का संकल्प किया तो उसके अंदर नीली किरणें होंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संकल्प की ही तरंगे किरणें हैं। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। आप सोचिए, अगर आपने सिर्फ अपने 4 फैमिली मेंबर्स 5 फैमिली मेंबर्स के लिए ही सोचा अपने जीवन भर, लेकिन आपको परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कुमारी माने के बाद में कि सारा विश्व ही आपका परिवार है, तो अगर आप सारे विश्व की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते कि इस इंसान को शांति मिले, इस देश को शांति मिले, इस देश में समृद्धि आए, इस देश में विद्या, इस देश में लोगों को जज करने की पावर है कि क्या सही क्या गलत है, आप देशों के बारे में जब सोच रहे होते हो तो आपकी विजडम कितनी बढ़ रही होगी। आप आजू बाजू के जितने भी आपके लोग हैं जान पहचान के, उनके बारे में अगर आप सोचते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, तो आपके अंदर विजडम कितनी बढ़ेगी। ये बेहद में जाने की बात है, क्योंकि हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने ही 4 फैमिली मेंबर्स उनके बारे में सोचा। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि उनकी विजडम इतनी बढ़ जाती है, उनको विवेक इतना आ जाता है, और उनकी मदद करते करते उनका भी बुद्धि का ताला खुल जाता है, और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, उनके स्वयं के पास कोई विघ्न नहीं आ पाता, क्योंकि वो सबके विघ्नों को विनाश करने वाले होते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, आप भी अपनी विजडम को बढ़ा सकते हैं, और इस विजडम के कारण आपका परमपिता परमात्मा के साथ में जो मिलन होगा योग में, वो बहुत ही खूबसूरत होगा। ये सबको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें। आप सबको स्वागत है इसको सीखने के लिए। ओम शांति के साथ।